अर्जुन पंडित का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भाई। लास्ट में ऑफिसर समझा रहे निशा को, भाई तुम्हारे कहने में जब उसने हथियार उठाया तो उसको बोलो गवाही भी दे, तो देखते हैं गवाही देता है नहीं। प्ले कर थैंक यू वेरी मच। पंडित की जिंदगी तुमने तबाह कर ही दी, उसे सरकारी गवाह बनाकर कम से कम एक बार तो उसका भला कर दो। पुलिस वालों का दिमाग खराब हो गया है, वो कहते हैं कि मेरे कहने पर पंडित सरकारी गवाह बन जाएगा। इमरान मेरा क्या रिश्ता है उसके साथ, क्या लेना देना है मेरा? Just relax, we will discuss this later. मैं नमाज पढ़ के अभी आया। निशा कैसी हो तुम? तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारी वजह से। आज मेरी ये दुर्गति हो गई है कि इस शहर की सड़कों पर डर डर के चलना पड़ता है मुझे। अपने ही घर में दहशत और खौफ में जी रही हूँ मैं, और अब तो पुलिस वाले भी मेरे पीछे पड़ गए हैं। नर्क बना दिया तुमने मेरी जिंदगी। निशा मैं आज तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान लेकर आया हूँ। मैंने पंचांग से मुहूर्त निकाला है। इस महीने की 27 तारीख को हमारे विवाह की तिथि निकली है। समय बहुत कम है, इसलिए इन कार्डों में से कोई भी एक कार्ड पसंद कर लो, आज ही छपवाने हैं। तुमने ये सोचा कैसे कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी? अगर तुम्हें गलत फहमी है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो भूल जाए इसे, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है नफरत। एक गुनहगार के साथ शादी करने से तो बेहतर होगा कि मैं भी अपनी बहन की तरह आत्महत्या करूं। अब मैंने तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुना निशा। मैं अपराधी बना क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया, और अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं था बल्कि तुमने मेरे साथ षड्यंत्र रचाया था तो तुमने बहुत बड़ा पाप किया निशा। और तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित यही है कि तुम मुझसे विवाह करोगी। बंद करो अपनी ये बकवास। मैं अभी पुलिस कमिश्नर को फोन कर रही हूं और वो यही तुम्हारा एनकाउंटर करेंगे। रुक जाओ निशा। क्यों, मौत का नाम सुनते ही डर गए? नहीं, जब कोई नमाज पढ़ रहा होता है तो उसके सामने से नहीं गुजरते, समझी? निशा, जब तुम पुलिस कमिश्नर से बात करोगी तो उन्हें 27 तारीख को हमारे विवाह का न्योता जरूर देना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं तुमसे शादी करूंगी? I love your extradition Dixon, तुम्हें फांसी होगी। निशा, are you all right? मैं अर्जुन को किसी सुनसान जगह पर बुलाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी, फिर ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बेवकूफों की तरह बात मत करो निशा। पुलिस आज तक खुद पंडित को गिरफ्तार नहीं कर पाई, इसीलिए वो तुम्हारे कंधे के ऊपर बंदूक रखकर चलाना चाहती है। तुम्हारा और पंडित का जाति झगड़ा है, एब्सोल्युटली पर्सनल। तुम्हारा अपना मसला है, तुम्हें खुद ही सुलझाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? पर इमरान मैं क्या करूं, कैसे करूं? He made my life miserable. और पुलिस समझती है कि अर्जुन दीक्षित को पंडित बनाने की जिम्मेदार मैं हूँ। वो तो तुम हो। Shut up. मुनामी आज। ये सब क्या है पापा? शगुन। किसका शगुन? पंडित और उसके आदमी यहाँ आए। पंडित ने तेरी बहन की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाई, धूप दिया दिखाकर माफी मांगी, और अपनी तरफ से आज तेरे साथ सगाई पक्की करके गया है। ये अंगूठी भी रखकर गया करिए। फोन देना। अच्छा जरा होल्ड करना, आपका फोन है। मुझे किसी से बात नहीं करनी। आपकी निशा का फोन है। निशा? हेलो निशा, निशा का फोन है। देखना भी फिर पागल हो जाए। जॉनी हफीज, निशा मुझसे मिलना चाहती है कल सुबह। बारिश का भूत, माशूक मिले तो खुमार है, ना मिले तो बुखार।
तुम लोग यहीं रुको। निशा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हारे मेरे बीच की इस दूरी को मैं हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे जीवन साथी बनोगे, मेरे साथ घर बसाओगे? मेरी अंतिम इच्छा तो यही है निशा, पर तुमसे सुनकर विश्वास नहीं हो रहा। पर इस इच्छा का कल बहुत भयानक है अर्जुन। तुम सामने रहोगे तो मैं सुहागन रहूंगी। आंखों से ओझल होते ही विधवा होने का डर रहेगा। और कौन सा गुनहगार अपने बच्चों को भविष्य दे पाया है जब तुम दे पाओगे? बेटा हुआ तो बिना कोशिश गुंडे उसे अपना मुखिया मान लेंगे। बेटी हुई तो कोई भला लड़का उसके साथ घर नहीं बसाएगा। जिस गुंडे के पल्ले बांध दोगे उम्र काट देगी। ना हम शांति से जी पाएंगे ना हमारा परिवार। क्या यही सपना है तुम्हारा? क्या यही जिंदगी होगी मेरी? आज पंडित के जीवन का अंतिम दिन है। तुमसे नफरत करती हूँ अर्जुन दीक्षित, नफरत करती हूँ। पापा, पापा, निशा बेटी, पापा, निशा बेटी, पापा, चलो ये घर छोड़ के चलते। और हुआ क्या बेटी? मैंने पंडित को जान से मारने की कोशिश की। ये सब क्या किया तुमने? क्यों किया? और मैं क्या करती पापा? उसने मेरा सांस लेना मुश्किल कर दिया था, मेरा जीना आराम कर दिया था। ऐसी घुटन में रहने से तो अच्छा था मैं उसे खत्म कर देती, पर वो बच गया। दीदी क्या बात है? अब समझने समझाने का वक्त नहीं है, हमें अभी इसी वक्त ये घर छोड़ना है। ये लो शादी का छोड़ा, तुम्हारा अभी इसी वक्त में शादी विवाह होगा। ये शादी का जोड़ा नहीं, कफन है मेरे लिए। निशा जोड़ा उठाओ, मैं विधिवत विवाह की तैयारी करता हूँ। विवाह? कौन करेगा मुझसे विवाह? अर्जुन दीक्षित, जिसकी वजह से मेरी मासूम बहन को जिंदगी गवानी पड़ी, वो कार जो 50 मंत्र तो पढ़ सकता है पर एक सच्ची गवाही नहीं दे पाया, या फिर मेरे साथ साथ फेरे लेगा पंडित जिसका हाथ किसी न किसी के खून से रंगा है। मैं मरना पसंद करूंगी अर्जुन पंडित, पर तुमसे शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। आज या तो साथ फेरे होंगे तुम्हारे साथ, या तुम्हारे भाई का अंतिम संस्कार। नहीं, नहीं, मेरे
बिट्टू को मत मारना, मेरे बिट्टू को मत मारना, तुम जो कहोगे जैसा कहोगे वैसा ही होगा, मेरे बिट्टू को मत मारना, प्लीज मेरे बिट्टू को मत मारना। रोती रहे अब, जब वो बोल रहा है हथियार छोड़ रहा हूँ और उसको मना लिया तुमने तो फिर क्यों धोखा दिया। हरामजादी एक बार दिया तो दिया, फिर से वो मान गया है, तुम्हारी बात भी मान रहा है, प्यार भी करता है, इतना यार तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। छुरा मार के बोल दी नहीं करती है ट्यू, तो पहले से ही गुंडा है, उसको और गुंडा बना दिया। अब ऐसे ही करे इसको, भाई को मार के ब्लैकमेल करे ना तो इसको अक्ल आएगी, बड़ा ऐसे लेक्चर देती है। ये बड़ी दोगली लड़की है यार, बड़ी दोगली है, इसके दो चेहरे नहीं है, सौ सवा के चेहरे तो है भाई, कितनी अपनी गलती इसको नजर ही नहीं आती, बस वो देवा भाई को ही गलत समझती है, उसको भी खुद बुलाया, वो जो मुला था हमारा वो मौलवी, वो ही कहा तुम्हारी गलती है भाई, अभी सब कह रहे तो मानूंगा नहीं, अभी भी अड़ी हुई है अपनी, नहीं तुम गलत हो। वो बेचारा देखो कितनी बड़ी दिल का है भाई, उधर ही बंदूक फेंक के दिखा दिया, ये लो छोड़ दिया आज ही भाई, ये दिल वाले होते हैं ना, पर ये कमी नहीं चाकू मार दिया यार, बड़ा मुझे गुस्सा आ रहा है इस पर यार। हाँ भाई अच्छा है, लड़की ने बड़ा समझा रही थी भाई तुझसे प्यार कर, तू शादी भी करना चाहती, तो देवान भाई ने हर चीज छोड़ दिया भाई, हथियार बथियार छोड़े, साली ने चाकू घोप दिया उसको, वो तो पहले से ही तो वो इतना पागल है, वो तो पहले से गुंडा बना पड़ा है, उसको दिमाग काम नहीं करता है इस लड़की की वजह से, उसके इश्क में बड़ा चूर हो गया है।